सत्ता के नशे में चूर सत्ताधारी पार्टी के सरपंच पति लगा रहे सरकारी योजनाओं का विकास के नाम पर लगा रहे हैं पलीता। मामला जनपद पंचायत नसुलागंज के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रफीगंज का है, जहां पर सरपंच पति की मनमानी के चलते सरकारी योजनाओं को विकास के नाम पर लगा रहे हैं पलीता। रफीगंज से चौकी तक जाने वाली सड़क सरपंच की नेतागिरी के चलते यहां पर 3 किलोमीटर की मनरेगा खेत सड़क रास्ते पर पुलिया का निर्माण होना है, लेकिन सरपंच पति की मनमानी से पुलिया में खटिया निर्माण हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं किस तरह सरपंच और सचिव विकास के नाम पर किस तरह भ्रष्टाचार की गंगा बहाकर काली कमाई कर रहे हैं। मामला रफीगंज लौधड़ी से चौकी तक 3 किलोमीटर बनने वाले रोड का है। जंगल के रास्ते में मनरेगा के तहत जो बनने वाला रोड था, पहले तो सरपंच पति ने मशीनों से बनवाए हैं, जिसके उपरांत बारिश में पानी के निकलने के लिए जो पुलिया बन रही है उनमें भी भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो कि रफीगंज से सिंहपुर नदी मेन रोड पर बनने वाले पुल से निकली पुरानी घटिया एवं टूटी फूटी पुलिया नए रोड में लगाकर किस तरह काली कमाई कर रहे हैं, यह तो इन तस्वीरों में ही साफ नजर आ रहा है। गौरतलब है कि सरपंच पति हरिओम यादव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े चहेते एवं 2 साल पहले मुख्यमंत्री चौहान को 50,000 का चांदी का ताज भेंट किया था। सरपंच पति हरिओम यादव से जनपद पंचायत एवं जवाबदार अधिकारी मुख्यमंत्री के करीबी होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं करते, ग्रामीण विकास के नाम पर जेब भरने में लगे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यह फूटी हुई पुलिया है, जिसे पुलिया के अंदर लगाया जा रहा है। नवीन पुलिया का निर्माण होने के लिए शासन द्वारा राशि स्वीकृत की गई है, लेकिन उस राशि को हड़पने के लिए सरपंच द्वारा रफीगंज नदी पर बन रहे पुल में से निकाली हुई टूटी पुलिया लगाकर लगा दी गई है, जिससे कि वह जो राशि लाखों में आई है वह निकाल सके। इस घटिया निर्माण के लिए ग्रामीण दयाराम ने बताया कि यहाँ पर टूटी हुई पुलिया डाली जा रही है। यह सरपंच पति के हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि सरपंच भाजपा के वरिष्ठ क्षेत्रीय नेताओं में गिनती में आते हैं, जिसके चलते लगातार पंचायतों में पलीता लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी होने से इनके सामने बोलने वाला कोई नहीं, न कोई अधिकारी इस मामले पर कार्रवाई करता है। ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायतें की गई है, जो कि ग्राम पंचायत में अनियमितताएं दर्शाती है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इन सब जानकारियों को गलत ठहरा दिया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने भाषण में कहते हैं कि मामा फुल फार्म में है, अधिकारियों को 10 फीट जमीन में गाड़ देंगे, तो अब इन भाजपा नेताओं पर क्या कार्रवाई होती है, या फिर मुख्यमंत्री के करीबी होने के कारण इन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस कहावत को सिद्ध करने का काम कर रहे हैं, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने देख दे। नसुलागंज से चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। ये कौन सी पुलिया है सर? ये रफीगंज लौधड़ी की पुलिया है सर। तो ये नया पुल बन रहा है कि पुराना है सर? ये पुराना बन रहा है सर। नहीं सर, बनना तो नया बन रहा है, लेकिन रफीगंज लौधड़ी का पुलिया है, वहाँ से पुराना पुल निकाल के लाया है सर, वो नया पुलिया बन रहा था वहाँ से, और ये नया पुल बनने वाला था, इसमें क्या सरपंच ने ये पुराने पुल डलवा दिए, टूटा फूटा है सर। तो ये कौन सा रोड है सर? ये सनकोटा रोड है। कहाँ से आया ये? सर ये रफीगंज से आया सर। अच्छा, कितने पुलिया डल रही है इसमें? इसमें 6 पुलिया है सर। 6 पुलिया डल रही है इस रोड पे जी। तो पूरी टूटी फूटी है जी। अभी तो 3 ही कम, अभी तो 3 लीटर है सर। अच्छा, दो कंप्लीट हो रहा है और एक तीसरा चल रहा है। तीसरा चल रहा है, 3 और बनेंगे। सबके लिए यही वाली कोटिया जी सर? यही वाली जो के जो बड़ा पुल है सीप नदी का, उसमें से निकली हुई? हाँ, उसमें से निकली हुई पुल लाए सर। मतलब नई फ्रेश खरीद के नहीं लाए? नहीं लाए सर। क्या नाम है तुम्हारा? दयाराम। कहाँ रहते हो? आज कितनी तारीख है? 25 तारीख है। 25 जनवरी है ना जी? 25 जनवरी। अभी काम चल रहा है यहाँ पुलिया का जी सर। दरअसल ये होता है, ये कौन सा रोड बन रहा है? जामंजर चौकी से बन रहा है सर। जामंजर चौकी से रफीगंज वाला, कौन सी पंचायत है ये? तो ये होता है, ये जो पुलिया डल रही है कौन डाल रहा है? कौन सा सरपंच? हरिओम सरपंच। तो ये पुलिया नई है या पुरानी है? पुरानी पुलिया है ना। कहाँ से लेकर आए इनने? कौन सी नदी? लौधड़ी की नदी की जो पुरानी थी वो पुलिया डल रही है इसमें। वो पुलिया, मतलब ये पुलिया पुरानी है और पुल नया बन रहा है ना। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ।